हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं टॉपिक नंबर 5 पार्ट 6, दैट इज क्लासलेस एड्रेसिंग। और हम फॉलो कर रहे हैं वो TCPIP प्रोटोकॉल बाय फोरोजन। तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको जरूर रेफर कीजिए। इससे आपके सारे जो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। हम देखने वाले हैं क्लासलेस एड्रेसिंग। तो बेसिकली क्या हुआ, जब क्लासफुल एड्रेसिंग हम यूज कर रहे थे तो इसमें हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। जैसे आईपी एड्रेसेस कंप्लीटली डिप्लीट होने लगे। हमने एक पर्टिकुलर कंपनी ने अगर क्लास ए का एड्रेस लिया तो उसके बहुत सारे आईपी एड्रेसेस अनयूज्ड रह जाते हैं। वैसे ही अगर बी लिया तो भी एक एवरेज साइज कंपनी के लिए 65,000 आईपी एड्रेसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। इस तरह ए और बी फुल्ली एग्जॉस्ट हो गया, तो फिर क्लास सी के एड्रेस हो गए वो हमारे लिए बहुत कम हो गया, क्योंकि एक एवरेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जस्ट 256 आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो फिर बाद में ये कॉन्सेप्ट आया कि व्हाई नॉट हैव क्लासलेस एड्रेसिंग। तो इट वाज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन फॉर द एग्जॉस्टिंग IPv4 एड्रेसेस। तो क्लासलेस एड्रेसिंग क्या है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, वेरिएबल लेंथ ब्लॉक्स हो सकता है, टू लेवल एड्रेसिंग यूज करेंगे, ब्लॉक एलोकेशन एंड देन सबनेटिंग। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल लेंथ ब्लॉक्स इन क्लासलेस एड्रेसिंग। वेरिएबल लेंथ ब्लॉक्स मतलब हर एक ब्लॉक का साइज अलग अलग हो सकता है। पहले जो हमने क्लास ए क्लास बी जो हमने पढ़ा उसमें हर एक ब्लॉक का साइज सिमिलर था फॉर क्लास ए। सिमिलरली फॉर क्लास बी द ब्लॉक साइज वॉज सेम। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल लेंथ ब्लॉक्स हम असाइन कर सकते हैं। सो इन क्लासलेस एड्रेसिंग द प्रीफिक्स डिफाइन्स द नेटवर्क एंड द सफिक्स डिफाइन्स द होस्ट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर हमारे पास एड्रेस है तो एड्रेस को हम एंटायरली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा हो गया नेट एड्रेस और दूसरा पार्ट हो गया होस्ट एड्रेस। तो इस तरह से हमारे नेटवर्क के दो पार्ट्स हो गए। तो यस, दिस इज फर्स्ट पार्ट इज नेटवर्क एंड द सेकेंड पार्ट इज होस्ट। नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रीफिक्स एंड होस्ट इज कॉल्ड एज द सफिक्स। नाउ अगर एन बिट्स होते हैं हमारे नेटवर्क में, सो 32 - n बिट्स हो जाएंगे हमारे होस्ट एड्रेस में। सो इट मीन्स दैट द प्रीफिक्स लेंथ इन क्लासलेस एड्रेसिंग कैन बी 1 to 32 bit। मतलब हमारा जो क्लासलेस एड्रेसिंग में प्रीफिक्स का लेंथ 1 से लेके 32 bits तक हो सकता है, प्रीफिक्स का लेंथ। अब आता है, व्हाट इज द प्रीफिक्स लेंथ एंड सफिक्स लेंथ इफ द होल इंटरनेट इज कंसर्न्ड एज वन सिंगल ब्लॉक विथ दीज मेनी एड्रेसेस। सो दिस वैल्यू इज 2 raised to the power of 32। सो इफ द प्रीफिक्स या द प्रीफिक्स लेंथ इज 0 एंड द सफिक्स लेंथ इज 32, सो वी कैन से दैट इफ वी आर यूजिंग 2 raised to the power 32 फॉर होस्ट, ओके, वी आर यूजिंग इट फॉर होस्ट, तो एन हमारा हो जाएगा 0। सो प्रीफिक्स का लेंथ हो जाएगा 0 एंड सफिक्स का लेंथ हो जाएगा 32। सो वी विल हैव दीज मेनी होस्ट इन द एंटायर सिंगल ब्लॉक। मतलब एक सिंगल ब्लॉक हो जाएगा और इसमें बहुत सारे हमारे नेटवर्क कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रीफिक्स लेंथ एंड सफिक्स लेंथ इफ द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू दीज मेनी ब्लॉक्स एंड ईच हैज वन सिंगल एड्रेस। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक है ये 32 bit का जो ब्लॉक है ये एंटायरली हमारा नेट एड्रेस है, ये हमारा नेटवर्क एड्रेस है। तो यहाँ पे होस्ट आईडी हो जाएगा 0, होस्ट का लेंथ हो जाएगा 0। सो वी हैव 2 raised to the power of 32 नेटवर्क्स एंड ईच नेटवर्क इज हैविंग वन सिंगल कंप्यूटर। सो द ओनली एड्रेस इन ईच ब्लॉक इज डिफाइंड बाय द ब्लॉक इटसेल्फ। नाउ द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ ब्लॉक इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स लेंथ। सो एन, अ स्मॉल एन मीन्स अ लार्जर ब्लॉक, अ लार्ज एन मीन्स अ स्मॉलर ब्लॉक। सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये देखिए, जब हम एंटायर एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये एन हमारा हो गया नेट एड्रेस और ये रिमेनिंग 32 - n ये हमारा हो गया होस्ट एड्रेस। तो अगर ये साइज अगर ज्यादा है
सो इसका मतलब है कि उसमें छोटे छोटे नेटवर्क बनाए हैं, अदरवाइज ऑपोजिट. सो अ स्मॉल एन मीन्स अ लार्जर ब्लॉक एंड अ लार्ज एन मीन्स अ स्मॉल ब्लॉक. नाउ इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो क्लासलेस एड्रेस के लिए हमें क्या करना है, बाइट 1.byte 2.byte 3.byte 4 स्लैश, एंड देन यहाँ पे हमें जो नेट आईडी कितने बिट्स का है वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है. तो एक एग्जांपल से समझते हैं. ये देखिए, अगर सपोज मेरा एड्रेस है 127.0.7.42 स्लैश, अगर लिखा है 21 बिट्स, सो इसका मतलब है जो 21 बिट्स है वो मेरे नेटवर्क एड्रेस है, और रिमेनिंग जो रिमेनिंग बिट्स है दैट इज माई होस्ट एड्रेस. सो इज दिस क्लियर? एम का मतलब है नंबर ऑफ बिट्स इन द नेटवर्क. तो यहाँ पे अगर 21 लिखा है तो एन इज इक्वल टू 21 बिट्स मेरा नेटवर्क एड्रेस में जाएगा, एंड रिमेनिंग 32 माइनस 21 बिट्स दैट इज 9 बिट्स विल बी इन द होस्ट. सो दिस इज हाउ वी यूज द नेटवर्क एड्रेस इन क्लासलेस एड्रेसिंग. सो इन क्लासलेस एड्रेसिंग वी नीड टू नो वन ऑफ द एड्रेसेस इन द ब्लॉक एंड द प्रीफिक्स लेंथ टू डिफाइन द ब्लॉक. तो इसलिए हमें एड्रेस भी पता होना चाहिए प्लस हमें प्रीफिक्स का लेंथ भी पता होना चाहिए. जैसे क्लासलेस में था कि हमारे पास जो क्लासफुल एड्रेसिंग में हम इजीली क्लास फाइंड आउट कर सकते थे, बट यहाँ पर कोई क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं नेटवर्क में, दैट इज द प्रीफिक्स लेंथ. तो अब देखिए, अब इन क्लासलेस एड्रेसिंग द एड्रेसेस कैन नॉट बी एज पर द डिफाइंड ब्लॉक. फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए ये हमारा एड्रेस है 230.8.24.56 कैन बिलोंग टू मेनी ब्लॉक्स. Some of them are shown with value of prefix associated with that block. So, अगर 16 लिया हमने तो ये हो जाएगा 230.8.0.0. अगर हमने prefix लिया 20, so starting address ये हो जाएगा और ending address is this. अगर हमने prefix length लिया 26, then the block will be from this to this. So, these are just examples given की जैसे हमने network नंबर ऑफ बिट्स इन द नेटवर्क उसे हम चेंज करेंगे तो हाउ द ब्लॉक विल चेंज. नाउ द फॉलोइंग एड्रेसेस आर डिफाइंड यूजिंग द स्लैश नोटेशन. तो अब हम क्या कर सकते हैं, इफ वी आर यूजिंग क्लासफुल और क्लासलेस दोनों को ही हम स्लैश नोटेशन से स्पेसिफाई करेंगे. जैसे हमने लिखा 12.23, तो 12 बेसिकली हमारा क्लास ए है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लैश 8. तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो नेटवर्क मास है फॉर क्लास ए इज 255.0.0.0. द मास्क हैज 8 ones and 24 zeros एंड द प्रीफिक्स लेंथ इज 8, सफिक्स लेंथ इज 24. अगर हम यूज कर रहे हैं 130, तो 130 है हमारा क्लास बी. तो क्लास बी अगर हम इसे स्लैश 16 भी अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो इसमें और क्लियर हो जाता है कि 16 बिट्स आर फॉर नेटवर्क एंड 16 बिट्स आर फॉर द होस्ट, एंड इसका जो सबनेट मास्क है वो है 255.255.0.0. अब देखिए ये जो एड्रेस है 167.191.170.82, इसमें क्या लिखा है 27, मतलब 27 बिट्स हमारे नेटवर्क के हैं एंड रिमेनिंग बिट्स आर फॉर द होस्ट. तो अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग जो 5 बिट्स है वो हमारे होस्ट आईडी के लिए है, 27 बिट्स आर फॉर द नेटवर्क. तो इसके लिए हम नेटवर्क मास्क कैसे क्रिएट करेंगे, हमें लिखना है 21 ones and 5 zeros, मतलब हम 21 बार 1 लिखेंगे एंड लास्ट में 5 0 ऐसे हम लिखेंगे. और फिर इसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 255.255.255.224. सो दिस इज हाउ वी यूज द क्लासलेस एंड क्लासफुल एड्रेसेस टुगेदर ऑन द इंटरनेट. अब देखिए, वन ऑफ द एड्रेस इन द ब्लॉक इज हाउ मच, 167.199.70.82/27. सो फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द नेटवर्क. फॉर
फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए एन का वैल्यू है 27, तो हमने जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, ये देखिए ये हमने इसका नेटवर्क मास फाइंड आउट किया था, तो ये जो नेटवर्क मास है इसे हम लिख देंगे 255.255.255.240। अब हमारे पास 5 बिट्स है, वी हैव 5 बिट्स फॉर होस्ट, तो इसको हम लिखेंगे 2 raised to the power of 5 इज इक्वल टू 32, मतलब हमारे नेटवर्क में 32 कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। वी यूज एंड ऑपरेशन टू फाइंड द फर्स्ट एड्रेस, तो आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर में लेना है फर्स्ट एड्रेस, ये देखिए ये हमारा आईपी एड्रेस ले लेंगे, नेटवर्क मास्क के साथ इसको हम एंड करेंगे, सो वी विल गेट द फर्स्ट एड्रेस। तो सिर्फ आपको बाइनरी में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड वी विल गेट द फर्स्ट एड्रेस ऑफ दिस नेटवर्क। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ लास्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस के लिए हमें क्या करना है, पहले वो जो एड्रेस है उसे हम बाइनरी में लेंगे और फिर हम जो नेटवर्क मास्क है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और कॉम्प्लीमेंट लेके हमें और परफॉर्म करना है, सो वी विल गेट द लास्ट एड्रेस। सो दिस इज द आईपी एड्रेस इन बाइनरी फॉर्म, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबनेट मास्क, सबनेट मास्क जो है उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे एंड इन दोनों को लेके हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो वी विल गेट द लास्ट एड्रेस। सो लास्ट एड्रेस इज 167.99.170.95, और हमेशा हमें लिखना है /27 जस्ट टू शो दैट इट इज क्लासलेस एड्रेसिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द एड्रेस इन द ब्लॉक इज 17.63.110.140.114.24, फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेसेस फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस। तो अब यहाँ पे 24 दिया है, तो बहुत ही सिंपल है ये, आपको क्या करना है, फर्स्ट हमें नेटवर्क मास्क फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट 24 बिट्स 0 एंड रिमेनिंग 8 बिट्स आर, फर्स्ट 24 बिट्स आर 1 एंड रिमेनिंग 8 बिट्स आर 0, सो इट इज 255.255.255.0, ये हमारा नेटवर्क मास्क आ गया। अब आपको लेना है नंबर ऑफ होस्ट, सो जो 8 बिट्स है जिससे हम होस्ट को देते हैं, सो 2 raised to the power of 8, दिस कम्स टू 256, तो हमारे जो कम इसमें एक एक नंबर ऑफ होस्ट जो हो गए वो है 256। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट एड्रेस, तो फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा 17.63, ये लास्ट बाइट को है, इसको हमें 0 से लेके 255 तक काउंट करना है, तो फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा 17.63.110.0 और लास्ट एड्रेस हो जाएगा 17.63.110.255, तो हमारा लास्ट एड्रेस ये देखिए, हमारा लास्ट एड्रेस 255। तो इसको कैलकुलेशंस करके भी हम निकाल सकते हैं और फिर अदरवाइज हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द एड्रेसेस इन द ब्लॉक इज गिवन एज 110.23.120.14/20, तो अब 20 बिट्स हमारे नेटवर्क में है एंड रिमेनिंग इन द होस्ट, तो हम कितने होस्ट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, एन हमारा हो गया 20, मतलब 32 माइनस एन हो जाएगा, 32 माइनस एन हो जाएगा हाउ मच, इट इज 12, सो वी हैव टू नंबर ऑफ होस्ट हो जाएगा 2 raised to the power of 12, सो इट इज कमिंग टू 4096, सो नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द नेटवर्क हो जाएंगे 4096। अब हमें निकालना है फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस, तो हम ले लेंगे नेटवर्क एड्रेस, फर्स्ट बाइट विल रिमेन एज इट इज, सेकेंड बाइट विल रिमेन एज इट इज, देन 120 एंड 14। अब हमें इसका मास्क निकालना है, सबनेट मास्क, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम लिखेंगे 20 टाइम्स, हम 1 1 1 1 करके लिखेंगे 20 टाइम्स एंड रिमेनिंग जो 12 टाइम्स है वो हम लिखेंगे 0, तो 12 बार हम 0 लिखेंगे, फिर इसको हम 8 8 बिट्स लेके बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 255.255.240.0। अब हमें क्या करना है,
एंड ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो 255 एंड 110, इट इज 110, 23 एंड 255, 23 आ जाएगा, 0 एंड 14 करेंगे तो 0 आएगा। अब इन दोनों को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करके एंड ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो आ जाएगा 112। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट एड्रेस। अब हमें निकालना है लास्ट एड्रेस। तो लास्ट एड्रेस के लिए आपको क्या करना है, ये जो सबनेट मास्क है, ये हमारा सबनेट मास्क है, इसका कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है। तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहाँ पर 0 0 15 एंड 255। अब आपको एड्रेस लेना है, ये हमारा एड्रेस हो गया। अब इन दोनों को और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो 0 और 110 आ जाएगा 110, 0 और 23 आ जाएगा 23, यहाँ पर 255 एंड 14 करेंगे तो आ जाएगा 255। और ये जो ब्लॉक है विच इज नीदर 0 नॉट 255, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा 127। आई होप दिस क्वेश्चन वॉज इंटरेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स विल परफॉर्म इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।